तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डेयर डेविल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक नन बचपन में मैट का ख्याल रख रही थी। तभी यहाँ पर रखा पानी अचानक से खून बन जाता है, जिसे देखने के बाद मैट की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि पनिशर ने उसे चेन से बांध रखा है। अब यहाँ पर मैट को पनिशर का नाम पता चल गया था, जो कि था फ्रैंक। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मैट इससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये लोगों को क्यों मार रहा है। जवाब में फ्रैंक इसे बोलता है कि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है, जिसको पता चल जाता है कि इसकी छत पर कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। तब फ्रैंक जाकर वहाँ पर उससे बात करता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी भी पहले मिलिट्री में था, पर यहाँ पर फ्रैंक उसको नहीं जानता था। पर क्योंकि ये दोनों ही एक ही बैकग्राउंड से थे, तो इसी वजह से वो आदमी इसको इसकी छत पर रहने की अनुमति दे देता है। अब उस आदमी के जाने के बाद यहाँ पर फ्रैंक वापस से मैट के पास आता है और इन दोनों के बीच वापस से बात होनी चालू हो जाती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि मैट अभी भी इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि शायद फ्रैंक जो भी कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर पनिशर बताता है कि मैं भी बुरे काम करने वाले लोगों को ही मारता हूँ, मैंने आज तक एक भी निर्दोष इंसान को नहीं मारा। तब मैट इससे पूछता है कि तुम आखिरकार ग्रोटो के पीछे क्यों पड़े हो, वो सुधरना चाहता है। पर यहाँ पर पनिशर इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद वो मैट के एक मुक्का मारकर यहाँ से चला जाता है, जिस वजह से मैट यहाँ पर बेहोश हो गया था। अब आगे जब मैट की आँख खुलती है तो वो पाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक बंधी हुई थी, जो कि डक्ट टेप की मदद से बांधी गई थी। और दूसरी तरफ हम लोग पनिशर को देख पाते हैं, जो कि ग्रोटो के पीछे था, और हम लोग ये भी जान पाते हैं कि ग्रोटो इस शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग फॉगी को देख पाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पर क्लियर टेम्पल काम करा करती थी, ताकि वो जान सके कि आखिरकार मैट यहाँ पर आया था या फिर नहीं, क्योंकि उसे एक पता था कि कहीं ना कहीं अगर मैट घायल होता है तो वो सबसे पहले क्लियर के पास ही जाता है। पर इस जगह पर अभी मैट नहीं आया था और किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार मैट कहां पर है। और ये बात जानने के बाद कि मैट मुसीबत में है, क्लियर को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और यहां पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको पनिशर ने बहुत बुरी तरह से मारा था, तो कहीं ना कहीं क्लियर को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि अगर पनिशर मैट को उठाकर लेकर गया है तो सच में बहुत बड़ी बात है। अब आगे हम लोग कैरन को देख पाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही थी कि कहीं पनिशर इसे भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तभी अचानक से ही इसके पास ग्रोटो का कॉल आता है, जो कि इससे बोलता है कि ये शहर से भागने वाला है। तब कैरन इसे अपने पास वापस बुलाती है, पर क्योंकि ग्रोटो का विश्वास इन लोगों के ऊपर से हट गया था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आने से मना कर देता है। और यहाँ पर वो कैरन को ही उल्टा सीधा बोलकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ फॉगी को हम लोग देख पाते हैं, जो अभी भी क्लियर टेंपल के पास था और वो इससे बात करे जा रहा था, ताकि ये मैट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। पर यहाँ पर अचानक से ही एक आदमी खड़ा होकर लोगों को मारने लगता है। तब फॉगी और क्लियर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये यहाँ पर मौजूद लोगों को कैसे बचाएंगे। पर यहाँ पर ये दोनों अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस इंसान को शांत करवा देते हैं। वहीं हम लोग कैरन को देख पाते हैं, जो कि ब्लैक टावर्स में जाती है, जहां पर ये एक एम्प्लॉय के पास जाकर इससे बोलती है कि मुझे कुछ फाइल्स चाहिए, और वो फाइल्स किसी और से नहीं बल्कि पनिशर से रिलेटेड थी। अब इस बात को सुनने के बाद वो इंसान इस चीज़ के लिए साफ इनकार करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तब यहाँ पर कैरन इसे बताती है कि जैसा कि तुम डीए में काम करते हो और यहाँ पर कोई भी बंदा सही नहीं है, उन्होंने हमें भी धोखा दिया था और आगे चलकर वो तुम्हें भी कहीं ना कहीं धोखा देगी। जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें फंसाकर अपने आप निकल जाएगी, और मुझे अभी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन फाइल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो वो इंसान इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा होता, पर वो कैरन की बात पर जब थोड़ा गौर करता है तब उसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कैरन सही कह रही है, और इसी वजह से वो कैरन को वो सारी की सारी फाइल्स निकाल कर दे देता है जो भी कैरन को चाहिए थी। अब आगे हम लोग वापस से मैट को देख पाते हैं, जिसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहाँ पर पनिशर इसे छोड़ कर गया था, और साथ ही इसके हाथ में एक बंदूक भी बंधी हुई थी, जिसको पनिशर ने इसके हाथ में इसी वजह से छोड़ा था ताकि अगर कभी इसका मन करे तो ये अपने आप को गोली मारकर मार सके। और अभी तक मैट को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि फ्रैंक कहीं और नहीं बल्कि ग्रोटो को ढूंढने के लिए गया है, तो इसी वजह से वो चुपचाप यहीं पर बैठा रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर फ्रैंक पहुँच जाता है, जो कि ग्रोटो को अपने साथ पकड़कर ला चुका था। तब वो यहाँ पर ग्रोटो को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और ग्रोटो इससे माफ़ी मांग रहा होता है। तब यहाँ पर पनिशर इसे बोलता है कि तुम अपने सारे के सारे गुनाह इसके सामने कबूल करो, क्योंकि इसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को हार्म करता हूँ जो कि निर्दोष हैं। पर अभी भी डेयर डेविल की समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ग्रोटो ने ऐसे कौन से पाप करे थे जिस वजह से पनिशर उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। तब यहाँ पर ग्रोटो भी पहले कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता, इसी वजह से पनिशर इसे और बुरी तरह से मारने लगता है। ये चीज़ देखते हुए डेयर डेविल इसे काफ़ी बार रोकने की कोशिश करता है, पर पनिशर नहीं रुकता और बार बार गालियां देता हुआ इसको मारे जा रहा होता है। और अब जाकर यहाँ पर डेयर डेविल को ये बात समझ में आती है कि ग्रोटो ने पास्ट में बहुत बुरे काम करे हैं,
और सबसे बड़ा बुरा काम उसका यही था कि उसने एक घर में जाकर चोरी करने का डिसाइड करा था, क्योंकि वहां से उसे कुछ फाइल्स चुरा कर लानी थी और ये सारे ऑर्डर उसे किसी आदमी से मिले थे और वो घर एक मिलिट्री सोल्जर का था। जब उस घर के अंदर गया तो वहाँ पर उसने फाइल्स ढूंढने की कोशिश करी, पर फाइल ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़की ने देख लिया, जिस वजह से उसे उस लड़की को मारना पड़ा। और वहाँ पर बुलेट फायर होने के बाद उसे वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी को मारना पड़ा, जिसमें फ्रैंक भी शामिल था। जी हाँ, वो घर किसी और का नहीं बल्कि फ्रैंक का ही था, और इसी वजह से यहाँ पर फ्रैंक सभी लोगों से बदला ले रहा था। और अब ये सारी बातें बताने के बाद ग्रोटो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, साथ ही वो पनिशर से अपनी जान की भीख तक मांगता है। तब यहाँ पर डेयर डेविल भी पनिशर को समझाने की कोशिश करता है कि अब जो हुआ वो हुआ, तुम्हें ऐसे इसे जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको सजा दिलवाने के और भी तरीके हैं। पर पनिशर इस चीज के लिए नहीं मानता। वो डेयर डेविल से बोलता है कि तुम्हारे हाथ में एक बंदूक बंधी हुई है जिसमें सिर्फ एक गोली है, तो या तो तुम मुझे मार सकते हो या तो ग्रोटो को मार सकते हो। पर डेयर डेविल यहाँ पर दोनों में से किसी को नहीं मार सकता था, इसी वजह से पहले वो शांत हो जाता है। तब बाद में पनिशर बोलता है कि अगर तुमने ग्रोटो को नहीं मारा तो मैं इसे मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो ग्रोटो बच जाएगा। ये चीज़ देखने के बाद मैट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तब वो किसी तरह से उस बंदूक से अपनी चेन को शूट करता है जिससे वो बंधा हुआ था, ताकि वो फ्री हो जाए, और उसमें वो सफल भी हो जाता है। लेकिन उससे पहले पनिशर यहाँ पर ग्रोटो की छाती पर बुलेट फायर कर देता है। ये चीज़ देखने के बाद डेयर डेविल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसी वजह से वो पनिशर को यहाँ पर मार मार कर अनकॉन्शियस कर देता है। उसके बाद वो ग्रोटो को यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करने लगता है, पर ग्रोटो को समझ में आ गया था कि ये उसका अंत है, इसी वजह से वो डेयर डेविल से बोलता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। ये चीज़ देखने के बाद डेयर डेविल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। पर इतने ही हम लोग देख पाते हैं कि पनिशर उठ गया है, जो कि बाहर खड़ी डॉग ऑफ हेल की बाइक्स के ऊपर एम करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बाइक ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर रखी सारी की सारी बाइक ब्लास्ट हो जाती हैं, और वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं जिनको पनिशर की ही तलाश थी। तब डेयर डेविल भी यहाँ पर पनिशर से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही अधभरी हालत में हो गए थे। नहीं, यहाँ पर डॉग ऑफ हेल के लोग भी पहुँच गए थे जिनको पनिशर चाहिए था, पर यहाँ पर डेयर डेविल अभी उन लोगों को पनिशर की बॉडी नहीं देने वाला था, इसी वजह से वो पनिशर की बॉडी को उठाता है और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को मारता पीटता हुआ पनिशर की बॉडी को एक लिफ्ट में रख देता है, और खुद ब खुद वो पैदल पैदल नीचे जाने लगता है, ताकि वो नीचे पहुंचकर पनिशर की बॉडी को लेकर यहाँ से जल्दी से निकले। पर जितने वो नीचे पहुंचता है उतने ही हम लोग देख पाते हैं कि पनिशर की बॉडी को डॉग ऑफ हेल के लोग ले जा चुके हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कैरन को भी पनिशर की फाइल से ये पता चल जाता है कि उस बंदे का नाम फ्रैंक है और उसके घर में एक दिन एक आदमी घुस आया था जिसने उसके सर पर शूट करा था, और जिसने उसके सर पर शूट करा था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्रोटो था। पर बाद में जब उस बंदे को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब मानो उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी, पर अचानक से ही उसकी सांसें चलने लगी और वो बोला कि मुझे बदला चाहिए। तब यहाँ पर हम लोग उस आदमी की फोटोज़ भी देख पाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था, और साथ ही यहाँ पर उसकी एक्सरे रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि उसके दिमाग में आज भी वो छेद है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद कैरन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।